आपसे आपके दोस्तों के साथ तो ये तो हुआ छठी शताब्दी की बात।
अभिषेक बाबू आपसे और चले गए बरेली में टीचर हैं ये ठाकुर भी चले गए वही बरेली में प्रोफेसर लेकिन जो आपने अभी वैशाली के बारे में बात की विशेष करके आपको कम कम टाइम मिला था और बात करना इतना ज्यादा था तो सचमुच में आपने गागल में सागर कर दिया और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने हम लोग सबको ऐसी बातें बताई जो हम नहीं जानते और अगर जानते भी थे तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके जानते थे जैसे कि मैंने बताया निष्क्रियों के बारे में आपने ये कहा जब आप बोला गया कि आप कहीं ज्यादा ले रहे हैं तो आपने कहा कि मैं इस पर गौर कर सकता हूँ और आपने संक्षेप कर दिया अपने भाषण किसी दिन मजबूत करता हूँ कि आप भाषण के मुझको करेंगे और बताएंगे क्या हुआ था वैशाली में क्या हुआ था उस समय के हिंदुस्तान में जैसे जी की आई ना और हाँ किसको बोलने नहीं दिया लेकिन जितना बोली उतना हम लोग सब सुने और बहुत आनंद से सुने इसलिए आनंद से सुने क्योंकि अब ये बहुत बात में लोग बोलेंगे कि ये क्या कहते हैं उसको रीजनल है पैरोकियल है लेकिन मैं हूँ वैशाली का भी नहीं है तो उसके बारे में और उस समय के हिंदुस्तान के बारे में जो आपने अपना उद्बोधन दिया उसके लिए आपको बधाई हो बहुत ही अच्छा कहा राकेश ठाकुर जी चले गए उनसे मुझे एक सवाल पूछना था लेकिन अब वो है नहीं तो कहने लेकिन जिस पटाखे के साथ उन्होंने हम लोग को संबोधित किया लाइन है पढ़े लिखे हैं ज्ञानी है ज्ञानी तो रामेश्वर बाबू भी है ज्ञानी तो आप भी हैं ज्ञानी वो भी हैं तो यहाँ पर आयोजकों ने ज्ञानियों की एक जमघट ला कर खड़ी कर दी है तो उनमें से आपने जैसे कि आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ बहुत ही अच्छा आपने हम लोग को अपना उद्बोधन दिया लेकिन साहब आप और ठाकुर ये मानना होगा कि भाषण और ये पढ़ाई डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटी आप इन्होंने हिंदी में बात की और शुद्ध हिंदी में बात की ये अपने आप एक अजूबा है क्योंकि कर्नाटक अहिंदी भाषी आ गया और ये जब दोनों ने बल्कि मैंने इनको कहा था कि इनकी जो किताब है रखी हुई उसका जो पहला पन्ना है जिसमें इन्होंने डेडिकेशन किया है वो इतनी क्लिष्ट हिंदी में है कि हम क्या आप लोग में जितने यहाँ पर मौजूद हैं समझ ही नहीं पाए इन्होंने लिखा और देखिए साहब यहाँ आकर के इन्होंने आपसे इतनी देर में बात की शुद्ध हिंदी में बात की मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ बीच में अंग्रेजी का लफ्ज जोड़ा इन्होंने वो नहीं किया और ना ही आपने किया तो अर्जुन भाई आप ऐसे ज्ञानियों को यहाँ लाए और हम लोग को उनके साथ हाजिर कराया ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इससे अगर हम कुछ लेते हैं तो ये आपने अपने उद्बोधन में सबको कहा एक नहीं कई बार कहा कि हम एक हैं और हम एक रहेंगे तो साहब मैं आपकी इस बात को दोहराता हूँ भाइयों और बहनों हम वाकई एक हैं और हम एक रहेंगे इसके लिए चाहे जितनी कोशिश करें ऐसा नहीं होगा अर्जुन व्यक्ति जी ने जो बात कही वो हमारे दिल को लगी और इसीलिए मैं उनका विशेष करके जिक्र कर रहा हूँ कि
इनसे पूछा था मैंने, जब ये खोल के बैठे मेरे बगल में, तो मैं इतना प्रभावित हुआ था इनसे कि मैंने पूछा कि आपने अपने पूज्य पिताजी के पद चिन्हों पर क्यों नहीं चल रहे हैं? सोचा ये उन्होंने जवाब दिया, उससे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा मुझे पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं है, मतलब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यानी कि जो मैं कर रहा हूँ आजकल उसमें ये इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन खैर इन्होंने सच्ची बात बताई, बावजूद इसके कि ये पॉलिटिक्स में नहीं है, इन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठवाया है और उसके लिए इन्होंने आयोजकों को उत्प्रेरित किया, इन्होंने भी किया, इनकी पूज्य बहन जी ने भी किया और अपनी तरफ से इनकी धर्मपत्नी जी ने किया। तो ये जत्थी परिवार का यहाँ पर ये योगदान रहा है, उस योगदान के लिए हम लोग सब जो यहाँ बैठे हैं पटनावासी, बिहारवासी, कर्नाटक वासियों को धन्यवाद देते हैं जानकारी की। जानकारी ऐसी थी, इससे हम लोग फायदा उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये इतना पता लग गया है कि जो हम समझा करते थे कि दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती या बोली जाती है तो टूटी फूटी, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके प्रति उनके मन में कुछ अच्छी भावनाएं नहीं है। लेकिन आज मोदी जी आप, भाषण जी आप, और आप ही नहीं होंगे, आप जहां जिस माहौल में काम करते होंगे कर्नाटक में, उन सारे साथी संघों के की वजह से और आपकी वजह से, आपके नेतृत्व की वजह से ये जो हिंदी के प्रति बैरियर था वो आपने तोड़ दिया है। तो जब आपने ये बैरियर तोड़ दिया तो हम समझते हैं कि वाकई हर मायने में हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक रहेगा, जैसा कि अरविंद जी ने कहा। देवियों और सज्जनों, ये जो विषय है आज का, इसमें मैंने सोचा था जिन जिन बातों को आपके सामने रखने का, वो सभी कह गए, बल्कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कह गए। एक तरीके से आपको मुझे अच्छा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा उन बातों पर चर्चा करने में, बस इतना ही कहूंगा कि जो छठी शताब्दी में, जो बारहवीं शताब्दी में भारतवर्ष ने देखा, वो आज हम उसको चरितार्थ कर रहे हैं। अपने संविधान के तहत जो भी प्रावधान है उनको सामने रख के चरितार्थ कर रहे हैं। तो उसमें एक प्रावधान है बुनियादी हक, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि मुझे मालूम है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो शायद बहुत लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन सत्य और सत्य ये है कि बसवन्ना हो या शंकराचार्य हो या हमारे महान संत ऋषि मुनि सब रहे हो, उस देश में हम लोगों को एक सीख दी गई है और वो सीख दी गई है वसुदेव कुटुंबकम की। हम सबको अपना मानते हैं, हम सबको, जैसा कहा मैडम ने, हम सबको अपना मानते हैं, हम सब एक हैं तो कहते तो है, और ये संवैधानिक प्रावधान भी है, लेकिन कर्मी जो है वो इसे मेल नहीं खाता। और हमारे मुल्क में इस समय एक ऐसा माहौल चल रहा है जिस माहौल की हम लोग सबको भर्त्सना करनी चाहिए, और भर्त्सना करनी चाहिए डेमोक्रेटिक ढंग से। डेमोक्रेटिक ढंग के मतलब जो हमारे संविधान में हमको हक मिला हुआ है उस हक का इस्तेमाल करें और इस माहौल की भर्त्सना करें, और भर्त्सना करते हुए हम अपने आप को ही नहीं,
जिस राह से हम लोग भटकने की संकेत दे रहे हैं और ऐसा नहीं किया हमने तो हम इस राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं माने जाएंगे। राष्ट्र के प्रति वफादार होना है और इसके लिए ये बुनियादी हकूक जितने हैं उनको अपने सामने रख करके देखना है कि जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनको हमारा समर्थन न मिले। अब ये समर्थन समाज में हो, चुनाव में हो या किसी दूसरे क्षेत्र में, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में एकता नहीं रहे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। आज का हिंदुस्तान का स्थान पूरे विश्व में एक अनूठा स्थान है, सभी इसका आदर करते हैं, सभी इसको सत्कार करते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया समझती है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो सच्चे मायने में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बोलने की इजाजत देता है, रहने के सलीके को इजाजत देता है। और हम लोग अगर उसी को बुनियादी तौर पर हटा दें, उस पर आघात करें, तो हमारे मुल्क के जो प्राणधार थे जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई, जो सच्चे मायने में राष्ट्रीय थे, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे, जो नेशनलिस्ट थे, पेट्रियोटिक थे, और वही सच्चे नेशनलिस्ट थे, वही सच्चे पेट्रियोटिक थे, उनके प्रति हम किस तरीके से पेश आने चाहिए, नहीं आएंगे तो हम उनको दगा कर रहे हैं, उनके साथ दगा कर रहे हैं, उनके साथ वफादारी नहीं कर रहे। और हमें करना है, हम नहीं भूल सकते हैं गांधी को, हम नहीं भूल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को, हम नहीं भूल सकते हैं सरदार पटेल को, हम नहीं भूल सकते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, और नहीं भूल सकते हैं राष्ट्र के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ये लोग जिन्होंने हमें एक नया मुल्क दिया, आजाद मुल्क दिया, कितनी उन्होंने कुर्बानियां की, कितनी कितनी देर देर तक अपने परिवारों से अलग रहे, उस समय जब वो अलग रहे थे, जब वो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे, तो क्या पता था कि 1947 में हम आजाद होंगे। 1917 में जब चंपारण का सत्याग्रह हुआ और गांधी गए, तो क्या उस समय गांधी को या वो जो 6 बिहारी उनके साथ गए थे जिनको गांधी ने अपने हाथ से चुना था, उनको पता था कि 30 साल बाद हिंदुस्तान आजाद होगा? कुछ नहीं पता था। अब क्यों नहीं पता था? इसलिए नहीं पता था कि वो लड़ रहे थे एक ऐसी शक्ति से जिस शक्ति का पूरे विश्व में वर्चस्व था, और अंग्रेजी में कहते हैं कि सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा ही पाए उसके साथ हम लड़े, और हम लड़े ऐसे लड़े कि खून नहीं बहा, हमने नहीं बहा, हमने खून बहाया उनकी गोलियों के साथ, हमने उनका खून नहीं बहाया, हम अहिंसा में रहे, हम अवध्या में रहे, और इस तरह से हमने आजादी की थी। ये अपने आप में एक मिसाल है, इस मिसाल को लेकर के विश्व में इस बात की चर्चा होती है कि आज गांधी एक अद्वितीय पुरुष थे, उनकी शख्सियत कमाल की थी, और वो 20वीं शताब्दी के पुरुष माने जाते थे, महापुरुष। तो हम उनके प्रति वफादार नहीं होंगे तो भाई हम लोग इस मुल्क के प्रति वफादार नहीं है। उनकी जो हमने सामने सीख थी, उस सीख को हम लोग आत्मसात करना चाहिए और उसी की उसी लाइन पर हम लोग चलना चाहिए, और उसी लाइन पर चलने के लिए आज इस मंत्री सभा में, इस सम्मेलन में, या जो ये कार्यक्रम है, हम लोग को सीख दी गई है, और हम लोग उस सीख को अपने पास रखेंगे। आपके पास आश्वस्त करता हूँ मैं कि आप इतने यहाँ पर हैं, आप इनकी उस सीख को आत्मसात करेंगे, और हम इस मुल्क को एक है एक ही रहे रखेंगे, आयुष्यों को उतने नहीं देंगे, इसकी आज तक बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप लोग सबसे पहले अभी तो करता ही हूँ, और आप लोगों की तरफ से मैं इनको भी आश्वस्त करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा।
कार्यक्रम उसका चलेगा तो कितने लोग बात बोलने वाले हैं। चलो मैंने पूछा था कि जब मैं आपको आपके सामने मुखातिब होऊंगा तो बहुत मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अब क्या करें, ऐसी बात हो गई, ऐसा रॉल बन गया कि मैं इतनी देर तक आपसे मुखातिब हुआ हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने ज़्यादा कहा है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन क्षमा करें या ना करें, लेकिन मेरी बात पर लोग ध्यान दीजिएगा। इस बुद्ध को एक है जो एक रखना है और इस पर आप सबका योगदान होना चाहिए, यही आपसे मेरी अपील है। और मैं समझता हूँ कि आप इस अपील को मानेंगे और खास करके इस कार्यक्रम के बारे में जो मैं कह चुका हूँ वही गुजरा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ आए और आपको 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 खास करके नंगे पांव घूम रहे चारों तरफ, खाली सामने एक ही लक्ष्य है कि ये कार्यक्रम सही सलामत बीते, यही है, यही है। तो ये पाटिल साहब है वो पटेल साहब है, दोनों पार्टी तो पटेल मिल करते हैं, हम लोग सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वो कुंकू के शायद साथ चले गए, आपने आज कबाब कर दिया है, ये सभा हिंदी की खराब हो गया उनको और सबको आपने बोल दिया, बोलने वाली बात हो जाने से पहले एक अच्छा सा शेर हमको सुना दीजिए, हंसी खुशी घर चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजपुर राज्यपाल महोदय से और अरविंद जत्ती साहब से मेरा निरंतर अनुरोध होगा कि आज के इस मौके पर वसंत हिंदी साहित्य परिषद का अनावरण करना है, यह संगठन आज ही शुरुआत हो रहा है, इसलिए दोनों महान विभूतियों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप स्टेज के नीचे आए और वसंत हिंदी साहित्य परिषद नामक संगठन को आज से शुरुआत कर देगा। वैसे बैठेंगे, खाली अनावरण करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। सर एक मिनट सर बस साहित्य परिषद का नागनाथ जी बैठिए, सब लोग बैठिए, आना इधर आने की जरूरत नहीं किसी को, खाली निखिल कुमार जी के हाथ से प्रोग्राम है बस। थैंक यू सर। और इंद्रजीत पटेल के लिए एक जिम्मेवारी दे रहे, मैं उनका हूँ उनका रहूंगा। बसो समिति के अध्यक्ष का जिम्मेदारी उठा के सिर्फ यही नहीं हैदराबाद में भी एक बहुत कार्यक्रम ऐतिहासिक मगध की धरती पटना में आपकी उपस्थिति मात्र से ही हम धन्य बिहारवासी आपके बहुआयामी व्यक्तित्व, प्रशंसनीय कृतित्व एवं अनुकरणीय नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गारोही डॉक्टर वीवी जत्ती जैसे अतुल्य पिता के सुयोग्य पुत्र के रूप में आपने ऐसे कोटिशह कार्यों को धरातल पर सफलतापूर्वक संचालित करके न सिर्फ कर्नाटक बल्कि भारत के सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय फलक दिया है। आपने 12वीं सदी के अद्भुत सेनानी, संत और दार्शनिक महात्मा वसा के लोक कल्याणकारी गणतांत्रिक आदर्शों के 2500 वचनों, 174 स्वरों और 26 भारतीय मान्य भाषाओं में अनुवादित करवाकर विश्व को बहुत ही अमूल्य धरोहर प्रदान किया है। महात्मा बसवेश्वर के नैतिक और आध्यात्मिक दर्शन के आधार पर आपने देश और दुनिया के कई देशों में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों के व्यक्तित्व विकास में सहयोग किया है। आपने कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के 14,000 किलोमीटर सड़कों पर शरण संस्कृति महायात्रा के द्वारा लोगों में मानवता एवं विश्व बंधुत्व का भाव संचारण किया है। आपके सरल सहज किंतु विस्मृत कर देने वाले सहृदय स्वभाव के हम कायल हैं। हम इंद्रजीत पटेल साहब से अनुरोध करेंगे कि हम लोग दोनों आदमी संयुक्त रूप से अरविंद जत्ती साहब के स्मारक पत्र समर्पित।
आप सब लोग बोलिए बोलिए भगवान की महात्मा बसवेश्वर की पाटलिपुत्र की धरती की महात्मा बुद्ध की महात्मा बसवेश्वर कैमरा पीछे कर लिया आप पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार सिंह कर्नाटक की धरती से आए हुए इस सभा के मुख्य अतिथि अरविंद जत्ती साहब अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बिलासी कुमार जी इस सभा में साहित्य के जो हम सबको वैशाली और बसों के बारे में जो उन्हें विस्तृत रूप से हम सबको बताया डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी डॉक्टर जयश्री मिश्रा जी डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी डॉक्टर प्रभा शंकर बेली जी प्रमोद कुमार झा जी डॉक्टर सिद्धार्थ लमोदी जी पटना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर नौ किशोर चौधरी जी प्रेमरंजन पटेल जी विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र राय जी और इस सभागार में उपस्थित सारे श्रोता गए आज हम किस संगोष्ठी को हम सभी यहां सुन रहे थे छठी शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुआ अगर छठी शताब्दी में हमारा वैशाली मार्गदर्शक बना जो हमारा अपना घर है वही वैशाली है और दूसरे बसों जो 12वीं शताब्दी में 1103 से 67 तक के बीच में जो कर्नाटक से जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं सुनी हमें नहीं लगता है कि समय अभाव के कारण उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है कुछ बोलने की जरूरत है लेकिन गणतंत्र के बारे में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब छठी शताब्दी में हमने वैशाली को समझा 12वीं शताब्दी में जब बसों को हम लोगों ने देखा और आज का जब गणतंत्र देख रहे हैं तो जब जब गणतंत्र गढ़ बनाया है जब जब गणतंत्र गढ़ बनाया है तब तब का इतिहास आप देखेंगे कि हम भी डर पकाए हैं यहां के रहने वाले हम सारे लोग डर पकाए एक ऐसी स्थिति है विडंबना है कि जब छठी शताब्दी से हम 21वीं शताब्दी के बीच आ रहे हैं हम दो गणतंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और तीसरी गणतंत्र को हम देख रहे हैं जो गणतंत्र हमें बड़ी मुश्किल से मिला है बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला है जो अभी हमारे माननीय इस सभा के उद्घाटन करता माननीय राज्यपाल साहब पूर्व राज्यपाल साहब निखिल बाबू ने जो बताया तो मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे कोई लाख कोशिश कर ले बहुत सारी कुर्बानियों के बाद यह गणतंत्र हमें मुझे हम लोगों को मिला है लेकिन अब चाहे लाख कोई कोशिश कर ले अरविंद जत्ती साहब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि हम मानव एक हैं तो हम सारे एक हैं कहीं ना कहीं जरूर आज स्वार्थ में हम बढ़ते आते हैं राजनीतिक के लोगों के द्वारा हमें बांटने की कोशिश होती रही है हमें बांटने की कोशिश होती रही है कोई धर्म के नाम पर बांटना है कोई जाति के नाम पर बांटना है कोई
कहीं हम एक बन के रहते हैं, एक बन के रहते हैं। सर आपने जिस तरह से इस सभा को संबोधित करते हुए जो संदेश देना चाहा, हम जरूर देना चाहते हैं कि उस संदेश को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएं और बसो समाज का एक छठी एक बारहवीं शताब्दी में 7 साल के बच्चे जब हुए तब उनके अंदर जनेऊ धारण और न जाने कितनी सारी भ्रांतियों पर लोगों ने प्रश्न किया, वो जरूर सहाय मनुष्य नहीं हो सकते, वो सहाय मनुष्य नहीं हो सकते। जिस तरह से उन्होंने उस समय जो सामाजिक कुरीतियां थी उस कुरीतियां पर आघात जो व्यक्त किए लगातार जनेऊ से हो या जिस तरह से उनके वचनों का अनुवाद हम लोगों ने जो सुना समझा, वो अगर वचन को ही हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको किसी धर्म और जाति में कोई बांट सकता है और किसी जनसंघ को बोलने की बात हो सकती है। हमें जरूरत है कि अगर वो 2300 हो या 2500 वचन हो तो मैं बस इतना ही चाहता हूं उसमें से अगर 10% 250 वचन को ही हम अपने जीवन में उतार लें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा समाज का जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा हर धन्य हो सकता है। तो मैं आप सबको जरूर इतना बताना चाहता हूं सभा की अध्यक्षता करते हुए कि मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाकर, बस अगर हम आए हैं कुछ बताना चाहते हैं तो हम इस संदेश को लेकर जाए कि जो बसो समाज का जो संदेश था, बसेश्वर जी का जो संदेश था, एक मानव थे लेकिन मैं उन्हें भगवान मानता हूं। उस वचन को पढ़ने के बाद उन्होंने कैसी कैसी वचनों को उन्होंने जो आज के समय में अरविंद जत्ती जी भी उस श्रेणी में है, उन्होंने उसे भाषाओं में अलग अलग 36 भाषाओं में अनुवाद करके सबों के बीच में फैलाने का काम किया है। और निश्चित रूप से अगर हम अपने उसे जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और बहुत ज्यादा नहीं करते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि आप सब यहां आए, सबको कोटि कोटि धन्यवाद है। और ये कर्नाटक और वैशाली, बसव और वैशाली का जो मिलन है, ये ऐसा ही मिलन होता रहे, हमारा साहित्यिक संगम होता रहे और निश्चित रूप से हम गणतंत्र कुछ अपना जीवन में उतारते हुए गणतंत्र को कहीं पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। हमारा संविधान को बचाने के लिए हम सभी अपने कुर्बानियों को देने के लिए तैयार होकर के आगे बढ़े। हमारा संविधान सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हम मानव सुरक्षित रहे, हम सारे भारतीय सुरक्षित रहे। आप सभी आए इसके लिए कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। जय बसव, जय वैशाली। जगदीश साहब ने एक चर्चा के अपने परिचर्चा में मुझे बताया कि मैं पटना में एक ऐसा जगह स्थापित करना चाहता हूं जहां बसो के वचन भी हो, वैशाली का गणतंत्र भी हो, रामायण भी हो, महाभारत भी हो, कुरान भी हो, बाइबिल भी हो, मतलब कि सारे सर्वधर्म को मिलाकर। तो यह हमारा वैशाली का अतीत रहा है कि हम ऐसे लोगों का हमेशा स्वागत करते रहे हैं। और मैं आपके बातों को स्वागत करते हुए हम सबों से जो पढ़ेगा हम जरूर उसमें आगे रहेंगे। और आपको वचनबद्ध, आपसे वचनबद्ध हैं हम। हैदराबाद के कार्यक्रम में भी आपको कहे थे कि हम लोगों से जो भी संभव होगा हम यहाँ जरूर करेंगे। और आपने जो बातें बताई है, जो जागरूकता आपने दिखाई है, आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। और उस जगह को हम लोग जरूर स्थापित करना चाहेंगे कि कम से कम बिहार के इस पुराने वैशाली में कुछ ऐसा आज भी हो रहा है जहां सर्वधर्म कोई भवन है, कोई जगह है जहां सबको शांति मिलेगी। और वही हमारा मानव का संसार है और वही हमारा मन है। जय बसो, जय। कार्यक्रम के अध्यक्ष जो हमारे इस कार्यक्रम के वक्ता है उनको वैशाली का मोनुमेंट देकर के सम्मानित करेंगे। हम सबसे पहले अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि
कि आप माननीय निखिल कुमार जी जो इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता है और माननीय अरविंद जगती साहब को ही डॉक्टर विनाश प्रभु डॉक्टर जय मिश्रा जी से अनुरोध होगा कि आप मंच पर आकर के वैशाली का प्रतीक चिन्ह अध्यक्ष के हाथों से ग्रहण करें। डॉक्टर कलेश्वर प्रमोद कुमार भारती डॉक्टर सिद्धाना लाहौता डॉक्टर प्रभा शंकर प्रेमी जी अभी डॉक्टर सिद्धनाथ मोदी साहब को अतिथि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अभी डॉक्टर प्रभा शंकर प्रेमी जी को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय प्रमोद कुमार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मैं जहां पर पैदा हुआ वहां पर जनतंत्र पैदा हुआ है और जहां पर जनतंत्र का आखिरी पड़ाव होता है नई दिल्ली वहां पर मैं रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के सारे संसद रहते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहां पर पुलिस 100 नंबर पे कॉल करते हैं पुलिस आती है और 100 रुपए वापस देने पर पुलिस चली जाती है। हम उस गणतंत्र में जहां पर दीवारों पर लिखना मना है ये भी लिख कर बताया जाता है दीवार पर। लेकिन मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा ये सत्र अभियान में मैं न्याय धर्म का प्रहरी एडवोकेट प्रमोद कुमार धर्म नहीं और धर्म निरपेक्ष नहीं क्योंकि न्याय मेरा धर्म है। मैं धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म समस्त मजहबों का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की प्रचलन में राष्ट्र बदलाने अभिव्यक्ति के पुरुषार्थ शब्द बुद्धि को राष्ट्रभक्तों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और अत्यंत अनुरक्त भाव से स्नेहाशीष होकर अनुशीष होकर स्नेहाशीष होकर सुजबंत मन सहित सामने बैठे सभी जन आकार ले रहे भारत के युवा भविष्य और बुद्ध से युद्ध की ओर अग्रसर लोकतंत्र की माटी भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भगवान महावीर की धरती और आदिकाल के इतिहास में महाभारत के महान योद्धा राजा कर्ण की भूमि शेरशाह सूरी की भूमि और सिख समुदाय के जन्मदाता उनकी भी भूमि है और बड़े क्रांतिकारी जो विश्व शुक्ल बैकुंठ शुक्ल की धरती विश्व में दूसरे गांधी से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण की इस भूमि का ऊपर को प्रणाम निवेदित करता हूं। साथियों सबसे पहले निखिल आदरणीय नीतू कुमार साहब का अरविंद जगती साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बात लोकतंत्र की हो रही थी आज वैशाली जो 600 ईसा पूर्व वैशाली नगर के नाम से जाना जाता था आज कितना प्रासंगिक हो चुका है। वैशाली एक गांव में सिमट कर रह गया ये सोचने की जरूरत है। आज जो हालात है गणतंत्र का वो गणतंत्र का हालात यहां पर मेरे कुछ अधिवक्ता साथी भी बैठे होंगे मैं उनसे अधिवक्ता साथियों से कहना चाहता हूं क्योंकि मैं न्याय धर्म का प्रहरी हूं न्याय मेरा धर्म है कि यहां पर कोई अधिवक्ता साथी बैठे हैं क्या आप कहेंगे अगर बैठे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता
मुझे बहुत कम समय दिया जा रहा है, खैर मैं जो बात कहने आया हूं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अफसोस समय कम है, समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस मंच पर विद्वत सभी साथियों को, पत्रकार बंधु जो आए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से, कर्नाटक के क्षेत्र से और देश के अलग अलग हिस्सों से आए तमाम माताओं बहनों को, साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को और महात्मा बसव के संज्ञान को आगे बढ़ाने के संगठनकर्ता सर्वे सर्वमान्य जति साहब को वैशाली की धरती पर, बिहार की धरती पर, पाटलिपुत्र की धरती पर आने के लिए मैं आपको विशेष इस कार्यक्रम के आयोजन समिति की तरफ से विशेष आभार प्रकट करता हूं। और माननीय निखिल बाबू से भी मेरी गुजारिश है, आपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर कार्यकलाप किए हैं, जो व्यवस्था है आज राजनीति में इस व्यवस्था पर आप जरूर सोचेंगे, तभी हमारा गणतंत्र परिचायक होगा। आज लोकतंत्र की जो स्थिति है, अब राजनीति में लोग कुछ जैसा सरदार नहीं मिलता, अब लाल बहादुर के जैसा कोई सरदार नहीं मिलता, ऐसे गहरे लट्टू गहरे मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था वो मंत्री बनकर बैठे हैं। हमने मानव का जीवित रहे ऐसा वो संविधान
श्री अनिल जी यहाँ दो दिन है, जिनको देखना है शाम को 5 बजे आप आए और उसका दर्शन करें। मैं सबको कहूंगा 12वीं शताब्दी का अस्तर की आप सब लोगों के लिए नया है, देखने की कृपा करें, विनती करता हूं। तीसरा, मैं आज समिति स्थापना हुई है निखिल बाबू जी के हाथ से, इसका मतलब बिहार के मुकुटमणि निर्विवाद व्यक्ति मात्र निखिल बाबू जी, पत्रकार हैदराबाद से बहुत से लोग आए, तमाम मीडिया कर्मियों ने, आप सब लोगों ने मुझे साथ दिया, मेरी समिति को साथ दिया, इतने लोग उपस्थित है प्रसार और मुक्ति के लिए, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। भविष्य की योजना के लिए आपका अभी आशीर्वाद चाहता हूँ। अभी राष्ट्रगीत होगा, आपके लिए उपहार की व्यवस्था है, राष्ट्रगीत के बाद कार्यक्रम के समाप्त किए लेने के पहले कुछ तो हमारे हैं। बसवेश्वर के दिन में खुद को सामाजिक और आध्यात्मिकता को मिक्स करके बात करते थे, शायद विडी देश हम भारत देश का जो भी आज तक देखते हैं में, शायद उसका भी सॉल्यूशन बिहार से ही मिले। जो मंथन आप लोगों ने निकला, क्या वाकई कुछ विजन मिला, एक दृष्टि मिली, कैसे इसको लेके आगे बढ़ना? जो मैं बोल रहा हूँ उसका विजन यहीं पर उगम हुआ है, मैं बेंगलोर से उगम लेके बीच लेके वहीं आया हूँ। आज के यही कार्यक्रम के माध्यम से ही मुझे वो आशा आई कि हम कोशिश कर सकते हैं। इफ आप सपोर्ट नहीं करते होते तो शायद मेरा कल्पना ही डूब जाता था। मुझे अच्छा लगा कि आप फुल सपोर्ट किए। मैं पहली बार आ रहा हूँ, किसी को भी नहीं जानता हूँ, आपको भी नहीं।